all of you know, we are having composition and communication skill. Our course contents are related to composition, मैं बात कर रही थी कि हम हमारा कोर्स क्या है और हमारे कोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या है. हमारे कोर्स का टाइटल है कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इज ऑफ 3 क्रेडिटर कोर्स, 60 मार्क्स एज ए होल, 18 मार्क्स फॉर मिड, 6 मार्क्स फॉर असाइनमेंट एंड 36 मार्क्स फॉर फाइनल. फॉर एज फॉर एज क्लासरूम मटीरियल शेयरिंग इज कंसर्न, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिस पोर्टल के थ्रू आप मुझे असाइनमेंट जो है वो अपनी सबमिट करवाएंगे, उसमें हम गूगल क्लासरूम को यूज़ कर रहे हैं. गूगल क्लासरूम डिस्कशन के लिए आप लोगों को जो है वो जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा. कोर्स मटेरियल जो है कि हमने अपना कोर्स ब्रेकअप जो है वो कैसे किया है, हमने अपना कोर्स किस तरह लेके चलना है, इसके अलावा इसमें मैंने ये शेयर किया था. तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपना कोर्स कैसे लेके चलेंगे. दिस इज व्हाट I have shared with you people on Google Classroom. This is our course breakup, course outline, what were the purposes of the course, what are the targets that we are supposed to achieve. First thing is, this is course specification, course objectives, material required. This is our main concern कि हमारा कोर्स कॉन्टेंट्स क्या होंगे. ये हमारे कोर्स कॉन्टेंट्स हैं और ये इसकी डिटेल है, ठीक है. ये हमारा कोर्स ब्रेकअप है, हमको हर वीक क्या पढ़ेंगे. जैसे टुडे इज आर फर्स्ट क्लास, तो हमारा पहला वीक क्या होगा, पहले वीक में हम क्या करेंगे, ये इसके बारे में. वीक टू में हम क्या पढ़ेंगे, वीक थ्री में हमारे क्या जो है वो कंटेंट शेयर होंगे वो हैं, ये सारा. इस तरह हमारा 8 वीक प्लान जो है वो मौजूद है. 8 वीक प्लान मीन्स कि आपका जो है वो मिड से पहले पहले जो है वो यहाँ तक सिलेबस होगा 8 हफ्तों का. उसके बाद आपका मिड एग्ज़ाम आ जाएगा, ये आपका मिड एग्ज़ाम है. और उसके बाद 9th वीक से हम जो है वो अपने फाइनल के कंटेंट स्टार्ट कर देंगे. वट एवर इज़ रिटन इन द इन दीज कॉलम्स, इट मीन्स इट दीज आर योर कोर्स कंटेंट्स, ठीक है. हम इसको इस वीक वाइज पढ़ेंगे. ये देन आपको देने का मकसद ये है कि आपको हर वीक पता हो कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये हमारा कोर्स जो है वो 16 वीक का कोर्स डिमॉन्स्ट्रेशन है. जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट्स दिखाए हैं उन सब के को स्प्लिट कर दिया मैंने वीक वाइज. आफ्टर दैट वी विल हैव अ फाइनल एग्जाम. दैट्स व्हाट द डॉक्यूमेंट्स इज शेयरिंग सेइंग टू यू पीपल दैट आई वाज शेयर्ड इन गूगल क्लासरूम. Okay, today our first class lecture is regarding note-taking techniques. Why we, if I give you a brief introduction of the course contents, it is based on certain skills. Some of skills are related to reading skills, writing skills, and some of our study skills. The first thing that we are having today, it is related to our study skills. Study skills which how means how we should manage our classroom work. Jo bhi hum class mein karte hain, like we are attending a lecture and we are supposed to have some notes regarding class lectures. That is what we are supposed to do before taking notes. Hum jab class lecture ke duran note taking kar rahe hote hain, to hume kya karna chahiye, hamari note taking se relevant hai ye cheez. ठीक है, नोट टेकिंग क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी टारगेट्स क्या होते हैं, हम इस पे बात करेंगे आज. फर्स्ट ऑफ ऑल के नोट टेकिंग, व्हाई वी नीड नोट टेकिंग, नीड टू अडॉप्ट नोट टेकिंग एज ए स्किल. हमें एज ए स्किल इसको अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है. लाइक अगर ये स्किल है तो इट मीन्स वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन टेक्निक्स. स्किल तो हम तभी कहते हैं ना, महारत तो तभी आती है ना जब हम कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं.
ये कोई ऐसी चीज है जो कि हम खुद से यानी हमारे पास नेचुरली मौजूद नहीं है, लेकिन हमें वो सीखनी पड़ती है। अगर हमें वो सीखनी पड़ती है तो इसका मतलब वो स्किल्स है। हम ऐसे कौन से स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारी नोट टेकिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। अच्छा, अगर हमारी क्लासरूम लेक्चर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट द राइटर इज सजेस्टिंग इज दैट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द क्लास लेक्चर मेंटली, इन अ सेंस दैट यू शुड नो बिफोर हैंड व्हाट द टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास। आपको क्लास में पढ़ाया कर जाएगा, आपको एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। लाइक अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो यू शुड हैव द नॉलेज दैट व्हाट द टॉपिक इज यू शुड विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो ये हमारा मेन कंसर्न होगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आपके पास जो है वो बिफोर हैंड पता है कि हमने क्या पढ़ना है, अगर आपके पास बिफोर हैंड ये सारा नॉलेज मौजूद है तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप क्लास में जाके आप हैज़र्डली बैठ जाएं और आप ये अवॉइड करें कि मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। यानी आपको यही ना बताओ कि आप टॉपिक क्या डिस्कस किया जा रहा है। In that's why the first skill for effective note taking is you should be mentally prepared for the class, and mental preparation is related to your knowledge of the topic. If you know the topic, it means you are mentally prepared. Doesn't mean that you are supposed to read that topic beforehand in your homes. ऐसा नहीं है कि आपने घर से इसको पढ़ के आना है। इसका मतलब है कि आप brainstorming involved हो। Like brainstorming जो है वो एक technical term है। इसका मतलब है कि आप जब आपको कोई किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो वो आपके जहन में जो भी उससे रिलेवेंट प्रीवियस मटेरियल होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपके पास आपके पास पहले से उसके बारे में नॉलेज मौजूद है तो वो फ़ौरन से एक्टिवेट होगा और आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अब हम ये पढ़ेंगे, और जो कुछ आपको पता है वो भी आपकी हेल्प करेगा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए आपको टॉपिक के बारे में पता हो और कुछ उसकी जान पहचान हो कि इसके सब टॉपिक उसके रेलिवेंट एरियाज क्या हो सकते हैं। Second important thing is that how we should take lecture notes. Class में हमने note taking करनी कैसे है? You people can use your chat corner if you want to ask any question. Okay, the writer suggests that the most important thing regarding class notes is that it should serve some purposes. At least three purposes that you. Your class notes should serve three purposes. First is your notes must serve as a record or summary of main points. That whatever you are noting in the classroom, that should be a summary of the whole lecture. अब वो एक summary कैसे हो सकती है कि आप okay Hafiz Rehan, if you want to ask any question, you can use your chat corner. आप अपनी क्लासरूम जो भी लेक्चर है आप उसमें उसको इस तरह नोट कर रहे हैं दैट दिस इज जस्ट लाइक समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स। सेकंड थिंग, यू मस्ट हैव इनफ डिटेल्स और एग्जांपल्स। वॉट एवर यू आर नोटिंग दैट इज नॉट जस्ट द हेडलाइंस ऑफ द लेक्चर, बल्कि आप उसमें जो भी नोट कर रहे हैं उसमें सफिशेंट डिटेल है, उसमें एग्जाम्पल्स हैं। सफिशेंट डिटेल्स मीन वो आपकी हेल्प कर रही हैं लेटर ऑन। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो कम अज़ कम आपको ये मसला नहीं होगा कि आपने पॉइंट उस वक्त तो लिख लिया लेकिन आप बाद में भूल गए कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन क्या थी, उसकी डिटेल्स क्या थी, एग्जांपल्स क्या थी। इसलिए उसमें थोड़ी सी इतनी सी डिटेल ज़रूर डालें कि लेटर ऑन अगर आप पढ़ें तो आपको सब कुछ याद आ जाए। यू मस्ट हैव रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉइंट्स। आपने जो भी नोट किया है इट इज़ लाइक अ समरी। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज। जो पॉइंट पहले आना चाहिए वो पहले ही है, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में ही है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जो है वो नोट टेकिंग कर रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस दैट द कंटेंट इज हैविंग रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी पॉइंट। आपका जो भी कॉन्टेंट है उसमें हर पॉइंट जो है दैट इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। इट डजंट मीन कि एक पॉइंट कुछ कह रहा है और दूसरा कुछ कह रहा है। एक चीज़ तो इसकी ये है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपका जो देखने में आपके नोट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है, एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसका एक हर पॉइंट की एक स्पेसिफिक प्लेस है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को आपने दो तरह से लेना है। एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हर पॉइंट जो है
that is relevant to the previous one or the next one. Second thing, organization means कि आपका हर पॉइंट जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे आ रहा है, कि आपकी नोट्स की जो है वो एक तस्वीरी शक्ल बन रही है. जब आप बुक खोलेंगे, जब आप नोटबुक, जब आपको जरूरत होगी उसको खोलेंगे, तो वो एक तस्वीरी शक्ल आपके सामने आ जाएगी जो आपको फौरन समझा देगी कि इसमें यहाँ क्या है. ठीक है, रिकॉर्ड मेन आइडियाज, वर्ड टू नोट, हमने क्या करना है, चेंज इन वॉइस. अब हमने ये क्लास में बैठ के नोट टेकिंग करने के लिए हमने क्या चीज नोट करनी है, यही हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट चीज है जिसको नोट करनी है. ओके, यू पीपल आर सपोज टू शेयर योर आंसर कि आप क्लास में नोट टेकिंग कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, हमने इसको नोट करना है. आप चैट कॉर्नर पे अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि क्लास में जब आपको नोट टेकिंग की जाती है तो आपको कैसे पता चलता है कि जो स्पीकर बोल रहा है ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको नोट करना है. आप ये कैसे असेस करते हैं? ओके, व्हाट, जो कुछ आप कह रहे हैं देखें इस पर राइटर क्या कह रहा है. ड्यूरिंग लेक्चर व्हेन यू फील दैट देयर इज सर्टन चेंज इन द वॉइस ऑफ द स्पीकर, वो चेंज किस सेंस में हो सकता है, उसकी इंटोनेशन पैटर्न से पता चल सकता है, स्ट्रेस पैटर्न से पता चलता है, किसी चीज पे को उसने स्ट्रेस दे के जो है वो बताया है, किसी वर्ड पे के इंटोनेशन, आवाज के उतार चढ़ाव से आपको पता चलता है दैट दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. चेंज इन रेट ऑफ स्पीच, या जिस फ्रीक्वेंसी से वो बोल रहा है, जिस जल्दी से वो बोल रहा है, उस जल्दी में आहिस्तगी आ जाती है, यानी लफ्जों को आहिस्ता से अगर वो अदा कर रहा है, इट मीन्स कि आपकी जो कुछ भी स्पीकर कहना चाह रहा है वो इतने स्लो अंदाज में कह रहा है कि इसका मतलब है कि हर बंदा उसको समझ ले और उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो लिख ले. ठीक है, इसलिए चेंज ऑफ वॉइस, स्ट्रेस पैटर्न को नोट कर रहे हैं, इंटोनेशन पैटर्न को नोट कर रहे हैं, और लफ्जों की अदायगी को नोट कर रहे हैं कि कहाँ वो अदायगी जो है वो उसकी रफ्तार कम हुई है कि हम उसको जो है वो लिख लें. सेकेंड, द राइटर इज सॉरी द स्पीकर इज गिविंग यू सिंपली द लिस्टिंग एंड नंबरिंग ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, 2, 3. अगर वो लिस्टिंग और नंबरिंग के थ्रू आपको पढ़ाना चाह रहा है, इसका मतलब दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. राइटिंग ऑन द बोर्ड, या वो कुछ ऐसी चीज है जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहा है, इसका मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है और आपने नोट करना है. फिर नॉन वर्बल क्लूज, आप उसके बॉडी जेस्चर्स से अंदाजा लगाते हैं. बॉडी जेस्चर्स किस तरह हो सकते हैं, लाइक वो हाथों के जरिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. नॉन वर्बल जिसमें आवाज नहीं है, जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, जिसमें सिर्फ जो है वो अपनी बॉडी जेस्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही. जैसे अगर कुछ स्पीकर है वो बात करते करते ऑडियंस की तरफ आ रहा है, ऑडियंस की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से वो ऑडियंस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हर बंदा वो पॉइंट सुन भी ले और उसको समझ भी ले. या फिर वो डायरेक्टली अनाउंस कर रहा है. डायरेक्टली अनाउंसमेंट मीन्स कि वो सिंपली आपको बता रहा है दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, यू पीपल आर सपोज टू नोट. अगर उसने आपको कहा है, इसका मतलब कि वो भी इम्पॉर्टेंट है. यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल्स, आपको कोई मॉडल दिखाया जा रहा है, आपको स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं, आपको कोई बोर्ड पे लिख के समझाया जा रहा है, कोई कुछ सुनवाया जा रहा है, इसका मतलब कि वो भी इम्पॉर्टेंट है. कि एक यानी आपको पढ़ाते हुए दो सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक टीचर खुद है और दूसरा उसके साथ कोई भी सोर्स जो है वो यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और आपने उसको नोट करना है. As we all know that जब भी हम कोई मेन पॉइंट नोट करते हैं, we have to note certain details or examples. उस वक्त तो आपको लग रहा होता है कि हमें सब समझ आ रही है, लेकिन लेटर ऑन हो सकता है वो कुछ वर्ड्स जो है वो आपको ना सारा कुछ समझा सकें. इसलिए द राइटर इज ऑफ द व्यू दैट यू शुड रिकॉर्ड सर्टन एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्स. लाइक वो कह रहा है कि स्पीकर जो है वो 125 वर्ड्स पर मिनट बोल रहा है. यानी नेचुरली हर इंसान जो है वो 125 अल्फाज एक मिनट में बोलता है. अगर 125 अल्फाज बोले जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम 125 लिख भी लें. राइटिंग इज समथिंग एल्स. तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने उसको ब्रीफ बनाना है. ब्रीफ कैसे बनाना है, जो पूरा पूरा सेंटेंस है यू जस्ट पिक अप द फ्रेजेस. पूरे सेंटेंस से आप एक फ्रेज ले लेते हैं. फ्रेज क्या मतलब कि कुछ वर्ड्स, चाहे वो वर्ब्स हों, चाहे वो एडजेक्टिव्स हों, या कुछ और चीज़ हों, आप कुछ वर्ड्स ले लेते हैं विच डायरेक्टली एक्सप्लेन्स द पॉइंट्स. या आप कुछ वर्ड्स ले रहे हैं जो कि
आपके पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए पूरा सेंटेंस कभी भी हम नोट नहीं करेंगे, जस्ट वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग द मेन पॉइंट्स विद फ्रेजेस. नोट वन एग्जांपल इफ देयर आर सेवरल, अगर राइटर ने आपको समझाने के लिए मल्टीपल एग्जांपल्स यूज की हैं तो आपने सिर्फ एक यूज करनी, तो आपने एक लाजमी नोट करनी है ताकि वो क्या एग्जांपल क्या करती है, वो आपकी मेमोरी टैग है. मेमोरी टैग का मतलब कि वो बहुत सारी चीजें उस एग्जांपल के साथ जुड़ी हुई हैं. जब आप वो एग्जांपल ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ और भी याद आ जाएगा, इसलिए इसको वो मेमोरी टैग कहते हैं. थर्ड थिंग इज हाउ यू शुड रिकॉर्ड योर लेक्चर, व्हाट कैन बी द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन टाइप. अगर हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से होगी, एक पॉइंट्स शुड बी रेलेवेंट, दूसरा आपकी फिजिकली नोट्स कैसे नजर आने चाहिए. दिस इज समथिंग दैट द राइटर इज सजेस्टिंग द वे दैट यू शुड ऑलवेज राइट द मेन पॉइंट ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. आपका जो मेन पॉइंट है वो पेज के हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है. जो लेस उस मेन पॉइंट का कोई सब पॉइंट है वो उसके बाद, उसकी डिटेल्स हैं तो वो सेंटर में, पेज के सेंटर में, और एग्जांपल्स हैं तो सबसे राइट साइड पे. ठीक है, आप पॉइंट वन लिख रहे हैं तो आपका मेन पॉइंट ये है, उस मेन पॉइंट का कोई सब पॉइंट है, कोई मेन आइडिया है, वो आप उसके बाद लिख रहे हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ लिख रहे हैं, और जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एग्जाम्पल्स हैं, वो सबसे राइट कॉर्नर में जा रहे हैं. सेम इज द केस विद द सेकेंड पॉइंट, आपका मेन पॉइंट राइट साइड पे आ, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसके बाद डिटेल्स और एग्जांपल्स लास्ट में. यानी ये आपकी एक फिजिकल अपीयरेंस है आपके नोट्स आपका, इसलिए जब भी आप अपने नोट्स खोलेंगे आपको पहली नजर में ही पता चल जाएगा द थिंग दैट इज रिटन ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड मींस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थिंग्स दैट आर रिटन इन द सेंटर ऑफ द पेज दैट आर डिटेल्स ऑफ द मेन पॉइंट्स, एंड द लास्ट द मोस्ट राइट साइड ऑफ द पेज इज शोइंग द एग्जांपल्स. इसलिए आप जब भी, आपको इन दो चीजों से समझ नहीं आएगी तो आप राइट साइड पे जाके पढ़ेंगे एग्जांपल्स को, वरना आप इसको छोड़ देंगे. फिर हाउ वी शुड मेक अ नोट टेकिंग मोर इजियर इन अ सेंस दैट वी कैन लेटर ऑन कंसल्ट इट एज वी आर कंसल्टिंग अ नोटबुक, अ बुक, अ टेक्स्ट. बिल्कुल आप अपनी नोटबुक को वैसे ही कंसल्ट कर रहे हैं जैसे कि एक बुक को कंसल्ट कर रहे हैं. इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, क्या चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज यूज इंक पेन. सेकंड, इंक पेन यूज करने का है कि इमूवेबल है, आप इसको कहीं करेक्शन करनी है तो आप कर भी सकते हैं. सेकंड, यूज स्टैंडर्ड साइज पेज. जो भी आप नोटबुक ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड साइज पेज होनी चाहिए. जो छोटी छोटी डायरीज लेके आते हैं ना बच्चे, वो स्टैंडर्ड नोटबुक नहीं होती. स्टैंडर्ड नोटबुक वो होती है जो आपके इतना सफिशिएंट स्पेस दे कि आप उस पर हर चीज़ जो है वो मैनेज कर सकें. जब वो छोटे छोटे पेजेस पे आप नोट कर रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, वो प्रोफेशनल्स के लिए होती हैं डायरीज. अगर आपने डायरी लेनी भी है तो वो स्टैंडर्ड साइज पेज की लें, ताकि आपको इतनी स्पेस दे कि आप हर चीज़ जो है वो उस पर नोट कर सकें. फिर दूसरा, कीप अ सेपरेट नोटबुक और सेक्शन फॉर ईच कोर्स. या तो आप सेपरेट नोटबुक लें या फिर अपनी नोटबुक के सेक्शंस बनाएं, और हर सेक्शन जो है, हर सब्जेक्ट का सेक्शन जो है वो अलग है. और फिर आप हर सेक्शन में जब लेक्चर नोट कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा डेट जरूर डालें कि वो किस दिन का लेक्चर था. वो आपकी हेल्प करता है लेटर ऑन, आप एग्जाम में कि हमने यहाँ इस डेट से पढ़ना शुरू किया था और इस डेट तक पढ़ा था, तो फिर आप एग्जाम में भी वो आपकी हेल्प करता है कि यहाँ तक हमारा कोर्स बनता है. सेकेंड थिंग, फोर्थ थिंग इज दैट यू शुड लीव सफिशिएंट ब्लैंक स्पेस. आपको ब्लैंक स्पेसेस छोड़नी चाहिए, हर पॉइंट लिखने के बाद कुछ जगह छोड़ें दो तीन सेंटेंसेस के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो अगला पॉइंट नोट करें. ये ब्लैंक स्पेसेस जो हैं ये आपकी हेल्प करती हैं कि आप जो है वो इतनी जगह दें कि आपका कुछ अगर भूल गया है, कुछ खुद पढ़ते हुए कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ ऐड कर सकें, और फिर उसको मार्क करें एज एन असाइनमेंट. ठीक है, मार्क असाइनमेंट मीन्स कि जब भी आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपको पता हो कि हमसे यहाँ इस टॉपिक में हमसे असाइनमेंट ली गई थी, इस टॉपिक में जो है वो हमने एक्स्ट्रा मटेरियल पूछा गया था. यानी आप उसको मार्क करते जाते हैं साथ साथ हर टॉपिक को, इसमें हमने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की. फिर
फिर उसके बाद मार्क आइडियाज दैट आर अनक्लियर. जब भी आप नोट टेकिंग कर रहे हो, नोट टेकिंग के दौरान अगर लगे कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा, तो हमेशा क्वेश्चन मार्क उस पर ऐड करें साथ साथ. सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम मीन्स कि आप स्पीकर के करीब होकर बैठे, ताकि डिस्ट्रॉक्शन जो है वो मिनिमम हो सके. डोंट प्लान टू रीकॉपी योर नोट्स, और कभी भी अपने नोट्स को रीकॉपी ना करें. आपने लिखा है क्लास में और अब आपको लग रहा है कि इसको मैं नीट करके लिख लेता हूँ, तो ये नीट करके लिखना या किसी की नोटबुक लेके उससे नोट करना, उस कहते हैं इससे अवॉइड करें. क्यों अवॉइड करें? कि जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं तो वो एक मैकेनिकल एक्टिविटी हो जाती है. आपकी आंखें देख रही हैं, आपके हाथ लिख रहे हैं, आपका माइंड जो है वो उस वक्त कुछ और ही सोच रहा होता है. इसकी सादा सी मिसाल ये है कि जब हम किसी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, यूनिवर्सिटी फॉर्म या कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो हम किसी को कहते हैं ना अपना फॉर्म देना, मैंने कुछ देखना, तो हम अनइंटेंशनली सम टाइम वही इंफॉर्मेशन खुद भी कॉपी कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उस वक्त हम मेंटली जो है वो कुछ और भी सोचने लग जाते हैं, इसलिए मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसलिए वो कहते हैं कि रिकॉपिंग जो है दैट इज जस्ट अ मैकेनिकल एक्टिविटी, इसका कोई फायदा नहीं होता. सेकेंड, यूज ऑलवेज एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस यूज करें बड़े वर्ड्स के लिए, छोटे वर्ड्स जो है हम खुद जो है वो डिवाइस करें. आपको लगता है कि ये साइकोलॉजी का लफ्ज़ ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको पीएस से चला रहे हैं, लिटरेचर का वर्ड ज़्यादा बड़ा है तो एलआईटी से चला रहे हैं. जो भी एब्रीविएशन आप लिखेंगे फर्स्ट टाइम, उसको कंप्लीट वर्ड लिखें और ब्रैकेट में उसकी एब्रीविएशन लिखें, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जब दोबारा वो वर्ड लिखें फिर एब्रीविएशन ही लिखें, ताकि एक दफ़ा वो वर्ड पूरा लिखा हो तो आप दोबारा कंसल्ट कर सकें उसको. कभी भी अपने नोट्स को बार बार ना पढ़ें. इसका मतलब क्या है? डजंट मीन कि आपने उसको पढ़ के छोड़ लिख के छोड़ देना. इसका मतलब ये है कि कभी भी उसको क्रैम करने की कोशिश ना करें, रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, बल्कि उन पॉइंट्स को इस तरह अपने साथ आइडेंटिफाई करें कि आप जब भी उसको मेमोराइज करें, जब भी आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, वो फौरन से क्लिक करें और आपको याद आ जाए. अब ये आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? अपने आप को नोट से, इसका वो एक तरीका बताता है. तो तरीका क्या है? दैट यू शुड डिवाइस योर ओन प्लान. प्लान कैसे हो सकता है कि आप किस तरह उसको रिकॉल कर सकते हैं? इसके लिए वो ऑफर करता है रिकॉल क्लू सिस्टम. ठीक है, अगर आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिकॉल क्लू सिस्टम क्या था, तो इसके तीन स्टेप्स हैं. इट शुड हैव, फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज लीव 2 inch मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. ठीक है, राइटर क्या कहता है कि आप जब भी अपने नोट्स लिख रहे हैं, जब भी आप अपनी नोटबुक यूज कर रहे हैं, तो नोटबुक के जो पेजेस पे भी आप नोट टेकिंग कर रहे हैं उसमें हर पेज पे 2 inch का मार्जिन जरूर छोड़ें. जैसे कि यहाँ था, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये हमारे सब पॉइंट्स हैं. अब ये वाली स्पेस जो है ये 2 inch मार्जिन है. ठीक है, आप इस पर यहाँ लाइन भी लगा सकते हैं इसको सेपरेट करने के लिए. लाइन नहीं लगानी तो मार्जिन वैसे भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, आप मार्जिन छोड़ रहे हैं और अपने पॉइंट्स नोट करते जा रहे हैं क्लास में. ठीक है, आपने इस तरह सपोज आपने 4 pages नोट कर लिए हैं. जब आपने 2 inch मार्जिन छोड़ दिया है तो ये 2 inch मार्जिन आपकी हेल्प करेगा अपनी चीज़ों को याद करने में. पहली चीज़ क्या है? लीव इट ब्लैंक. जब आप नोट कर रहे हैं तो फिर आपने इस 2 inch मार्जिन में कुछ नहीं लिखना. फिर लेटर ऑन जब आप रिवाइज कर रहे हैं अपने नोट्स को, तो फिर आपने इस 2 inch मार्जिन को यूज़ करना है. फिल दिस ब्लैंक मार्जिन विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस. पहला कि आपने इस मार्जिन को वर्ड्स और फ्रेजेस से फिल करना है. जो कुछ आपने यहाँ लिखा पॉइंट वन में, पॉइंट टू में, फिर डिटेल्स लिखी, आप उनको मजीद समराइज करके 2 inch मार्जिन में लिख लें. फिर 2 inch मार्जिन में लिखने के लिए आपने वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपकी मेमोरी को ट्रिगर करें. मतलब कि आपको जब कभी आप सोचें तो आपको फौरन से याद आ जाए. तीसरा, आप फ्रेजेस में 2 inch मार्जिन पॉइंट्स को ब्रीफ करके 2 inch मार्जिन में लिख रहे हैं, और आप उसके बाद वो वर्ड्स लिख रहे हैं जिससे आपको फौरन से सारा पॉइंट याद आ जाए. ऐसा होता है ना, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं हर पॉइंट के लिए, तो आप वो स्पेसिफिक वर्ड्स चूज करके लिख रहे हैं. फिर आप क्या करते हैं, आप अपने जो भी मटीरियल पढ़ा है उस मटीरियल का, वो मटेरियल जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है, वो क्वेश्चन बना के 2 inch मार्जिन में लिख लें. ठीक है, आप क्वेश्चन बना के 2 inch मार्जिन में लिख रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके. हमारा सेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है. मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, आप दोबारा इसी लिंक पे आ जाएं.
बात कर रहे थे रिकॉल क्लू सिस्टम पे. रिकॉल क्लू सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम अपने नोट्स को कैसे हमने मेमोराइज रखना है ताकि हम इसको एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकें, हम ये देखते हैं इसमें. आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके. रिकॉल क्लू सिस्टम के थ्रू जो है वो हम अपने नोट्स को याद रख सकते हैं. रिकॉल क्लू सिस्टम में वो क्या कहती है कि हमेशा मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि वो क्या कहती है, यहाँ जो ऑथर हम कंसल्ट कर रहे हैं इस मटीरियल के लिए, दैट इज कैथलीन मैकवाटर. मैं इसको गूगल क्लासरूम पे जो है वो इसका नाम और बुक का नाम जो है वो शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, कैथलीन मैकवाटर की बुक जो है वो आप गूगल से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं. अच्छा, हम अपनी नोट, जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हम लेफ्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे 2 इंच मार्जिन छोड़ देते हैं. हम नोट करते रहते हैं और इस मार्जिन में हम कुछ भी नहीं लिखते. हमारा नोट टेकिंग कंप्लीट हो गई. कंप्लीट करने के बाद फिर हम इस ब्लैंक मार्जिन को यूज करते हैं. इस तरह से हमने जो कुछ भी नोट किया होता है, हम उसमें से कुछ वर्ड्स, जो वो वर्ड्स जो कि आसान हैं, जो हमें याद रहें, हम वो वर्ड्स जो हैं, वो फ्रेजेस जो हैं, वो हम उस 2 इंच मार्जिन में लिखते जाते हैं. ठीक है, हम 2 इंच मार्जिन में वो वर्ड्स लिखते हैं जो कि हमारी मेमोरी में रहें कि हमें इस पॉइंट के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था. फिर जो पॉइंट्स भी हमने पढ़े हैं वो किस तरह के क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं, हम वो क्वेश्चन बना के भी 2 इंच मार्जिन में लिख लेते हैं. ठीक है, हमने क्वेश्चंस बना के लिख लिए, हमने जो पॉइंट्स बना थे वो लिख लिए. इस तरह हम ये सारा जो है वो 2 इंच मार्जिन में ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे. जब हमने वो लिख लिया 2 इंच मार्जिन, तो फिर हम कवर योर नोट्स विद अ ब्लैंक शीट. फिर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे नोट्स होते हैं हम उसको कवर कर लेते हैं ब्लैंक शीट से. सिर्फ 2 इंच मार्जिन जो है वो हमें अब हमें नज़र आ रहा है. जो नोट्स नोट टेकिंग हमने की थी, जो पॉइंट्स हमने लिखे थे, उसको हम कवर कर लेते हैं किसी भी शीट के साथ. 2 इंच मार्जिन जो है वो अब हमें नजर आ रहा है. अब 2 इंच मार्जिन को क्या करते हैं, हम रीड वर्ड्स एंड क्वेश्चंस एंड ट्राई टू रिमेम्बर द मटेरियल. फिर हम वो क्वेश्चंस और वो वर्ड्स पढ़ के मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा होता है, जो कुछ भी हमने लिखा होता है. अगर वो क्वेश्चंस पढ़ के, वो वर्ड्स पढ़ के हमें चीजें याद आ रही हैं, पॉइंट्स याद आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स याद आ रही है, डिटेल्स याद आ रही हैं, तो इसका मतलब कि जो कुछ भी हमने लिखा था हमें वो अब याद है और वो हम एग्जाम में दोबारा भी लिख सकते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप चैट कॉर्नर को यूज करें और मुझे बताएं. दिस इज व्हाट नोट टेकिंग इज. कैथलीन मैकवाटर जो बुक का नाम है, कॉलेज रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स, ये बुक है जो हमने आज के टॉपिक के लिए कंसल्ट की है. कैथलीन मैकवाटर इसकी राइटर है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो. और ये हमारे जो है वो कोर्स कंटेंट्स में शामिल है. चलें पहले मुझे जल्दी से सारे ये बताएं कि पैराग्राफ किसको कहते हैं हम. व्हाट इज अ पैसेज, व्हाट इज अ पैराग्राफ. टू आवर पॉइंट, व्हाट अ पैसेज इज. ऑल ऑफ यू वर एग्री ऑन अ सिंगल पॉइंट दैट अ पैसेज इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है. हम सेंटेंस किसको कहते हैं, अगर हम ये डिफाइन करें तो क्या है कि आपका जो भी सेंटेंस है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, sentences make a passage. Passages make a whole text or discourse. ठीक है,
हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है. सेंटेंसेस किस चीज से बनते हैं? वर्ड्स से. वर्ड्स की प्रॉपर अरेंजमेंट से सेंटेंसेस बनते हैं. वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस मिलके पैसेजेस, और पैसेजेस मिलके टेक्स्ट, और टेक्स्ट से पूरी डिस्कोर्स बनती है. डिस्कोर्स मतलब एनी डिटेल पीस ऑफ डिस्कशन ऑन एनी इशू. ठीक है, डिस्कोर्स कोई भी डिटेल डिस्कशन. इफ वी आर सेइंग दैट अ पैसेज इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इट मींस के हमारी डेफिनेशन जो है ना वो नामुकम्मल है, ये कंप्लीट नहीं है. अ पैसेज इज नॉट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बट इट शुड हैव अ सिंगल थॉट. आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस जो है वो एक सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, आपका पूरा पैसेज जो है इसका मतलब वो दैट इज सर्विंग एज ए यूनिट. वो एक सिंगल यूनिट है जिसके अंदर एक ही थॉट डिस्कस की गई है. बिलाल, यू कैन आस्क क्वेश्चन थ्रू गूगल चैट, सॉरी जूम चैट. जूम चैट पे अपना क्वेश्चन पोस्ट करें. जो भी आपका पैसेज है वो एक सिंगल जो थॉट को रिप्रेजेंट करता है. अगर एक थॉट के मल्टीपल आप एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसेज जो है वो नामुकम्मल है, वो फॉल्टी है, दैट इज इल कंस्ट्रक्टेड, इल स्ट्रक्चर्ड. आपका पैसेज जो है वो इल कंस्ट्रक्टेड है, इल स्ट्रक्चर्ड है, और उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं है. अब इसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप हर कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को पैसेज नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि आपके हर पैसेज की एक थॉट होती है, एक टॉपिक होता है. हर पैसेज का एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे आपके सारे सेंटेंसेस आ रहे हैं, और हर सेंटेंस जो है दैट इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन एंड टू द नेक्स्ट वन. हर सेंटेंस जो है, पैसेज का सेंटेंस जो है, वो अपने आने आगे, अपने से आगे आने वाले को और अपने पिछले सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है. उसके बगैर तो वो अधूरा है, उसके बगैर तो वो नामुकम्मल है, इसलिए आप कह ही नहीं सकते कि वो पैसेज है. हम पैसेज को जब भी डिफाइन करेंगे तो हम दो चीजें देखेंगे, एक तो ये कि वो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, दूसरा ये कि वो एक सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ पैसेज. अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ राइटिंग कवरिंग अ वन टॉपिक. अ पैराग्राफ विल यूजुअली कंटेन मोर देन वन सेंटेंस. अ पैराग्राफ स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन. अब ये मुख्तलिफ डेफिनीशंस हैं जो कि मुख्तलिफ डिक्शनरीज ने दी हैं. वो हर लाइन से, हर नई स्पेस से शुरू हो रहा है पैसेज. समटाइम्स पैराग्राफ्स आर इंटेंडेड और नंबर्ड, और हम इसको इंटेंडेड और नंबर्ड भी करते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू रीड दीज टू पैसेजेस एंड टेल मी विच वन इज द पैसेज एंड विच वन इज नॉट. इसको देखें और मुझे बताएं कि कौन सा आपको पैसेज वन और टू, इन दोनों में से कौन सा एक पैसेज जो है वो पैसेज लगता है और कौन सा नहीं लगता. इन दोनों का टॉपिक जो है वो है प्लांट्स. होपफुली आपको नजर आ रहा होगा. अब देखें, दो पैसेजेस हैं, दोनों में से कौन सा पैसेज आपको पैसेज लगता है और कौन सा नहीं लगता. पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इसका मतलब कि इंसानी बका के लिए प्लांट इंपॉर्टेंट है. इंसानी बका किन चीज़ों पे बेस करती है, इंसान किन चीज़ों पे जिंदा रह सकता है और किन चीज़ों के बगैर नहीं. इसका मतलब हमारा पहला सेंटेंस जो है वो हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है. हम अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी पैसेज में जो है वो उन चीज़ों के जिक्र किया गया होगा जिनके बगैर जो है वो हम जिंदा ही नहीं रह सकते. प्लांट्स के थ्रू हमें मिलती हैं, अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते. इसलिए पहला पैसेज देखें, क्लास हो रही है, ये पहला पैसेज देखें और देखें ये कितना इम्पोर्टेंट है. इसी तरह
दूसरा पैसेज देखें, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सेंटेंस सेम, लेकिन आगे क्या बातें कर रहा है कि हमें प्रॉपर एटमोसफेयर दे रहा है, ग्रीन एंड क्लीन है, यूज फॉर होम एंड ऑफिस डेकोरेशन, मोस्ट इररेलेवेंट लाइन कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए डेकोरेशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए शेल्टर, फूड और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहला, क्योंकि पहली लाइन जो है वो टॉपिक के बारे में बता रही है, तो इसलिए हम साइकोलॉजिकली तैयार हो जाते हैं कि उसकी डिटेल भी इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ डिटेल हमें थोड़ी उससे हट के मिल रही है, इसका मतलब ये सिंगल थॉट नहीं है, इसमें मल्टीपल थॉट्स आ रही हैं। पहला सेंटेंस जो है वो उसके माहौल के बारे में है, दूसरा सेंटेंस जो है वो डेकोरेशन के बारे में है, और उसी का जो बाकी हिस्सा है वो प्लेजेंट लुक और एरिया लाइक इस तरह पे बात करें। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें। इसलिए हमने कह दिया कि ये पैसेज जो है दैट इज इनकम्प्लीट, दो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन ये इनकम्प्लीट थॉट दे रहा है, इसलिए ये पूरा कंप्लीट पैसेज नहीं है। ओके, दो इट इज कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा था कि इट शुड हैव अ सिंगल थॉट, तो इसमें सिंगल थॉट नहीं है, इसमें मल्टीपल थॉट्स हैं। पहला एग्जिस्टेंस के बारे में है, दूसरा एटमॉस्फेयर के बारे में, तीसरा डेकोरेशन के बारे में, यानी है तो टॉपिक सेम लेकिन हर एक की थॉट अलग है। इसमें एक टॉपिक है ह्यूमन एग्जिस्टेंस और हर चीज जो है वो उसी को सपोर्ट कर रही है, क्लास हो रही है। फिर देखें द पैराग्राफ है थ्री पार्ट्स, क्लियर, कोई ये पॉइंट समझ आ गया सबको? नो बिलीव, हम जो पैसेज की बात करें ना उस पर देखें। चले अब देखते हैं कि पैसेज के जो इसेंशियल पार्ट्स हैं दैट आर ऑफ थ्री, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। आपके हर पैसेज की स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। हम पूरी टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, हम एक पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि आपका टॉपिक दे दूं, आपने उस पर पैसेज लिखना हो, डिटेल्स दे दूं उसका, उसके बारे में लिखना हो, ठीक है, आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। अब आपके पैसेज के तीन हिस्से हैं, पहला क्या है टॉपिक सेंटेंस, दूसरा क्या है सपोर्टिंग डिटेल्स और तीसरा क्लोजिंग सेंटेंस। आपके हर पैराग्राफ के ये तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। पहला उसका टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जो किसी भी पैसेज के मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज इन द बिगनिंग, ठीक है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। हम क्यों इसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि हर पहला सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस हो, ये एक लंबी डिस्कशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि हर सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो आने वाला वो टॉपिक सेंटेंस हो, ये जरूरी नहीं है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द आइडिया टू बी डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, यानी वो सेंटेंस जो किसी भी पैराग्राफ की थॉट के बारे में हो, उसको समराइज कर रहा हो, उस सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, टॉपिक सेंटेंस मोस्टली पैसेज के शुरू में होता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हो सकता है वो पैसेज के दरमियान में आ जाए, हो सकता है वो पैसेज के लास्ट में हो, वो क्लोजिंग सेंटेंस भी हो, वो टॉपिक सेंटेंस भी हो। इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि पैसेज का के अंदर एक सेंटेंस ऐसा जरूर होता है जो पूरे पैसेज की आप कह सकते हैं समरी होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। ये क्या करता है, इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया, ओपन्स अप डिस्कशन इन द पैराग्राफ, ये मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस भी कराता है और डिस्कशन ओपन करता है। हम इसको लिखते कैसे हैं, वी समराइज द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ, हम पैराग्राफ का मेन आइडिया समराइज करते हैं, उसको अपने पैराग्राफ के शुरू में, दरमियान में या लास्ट में जहां लगता है कि हमें ये एडजस्ट हो सकता है हम उसको वहां लिख देते हैं। लुक एट दिस पैसेज, एग्जाम्पल देखें, देर आर थ्री रीजंस व्हाई कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हमने इसको कह दिया कि ये टॉपिक सेंटेंस है। अब ये टॉपिक सेंटेंस क्या कर रहा है, ये एक डिस्कशन को ओपन कर रहा है, थ्री रीजंस व्हाई, थ्री रीजंस, अब थ्री रीजंस हम फौरन से समझ गए कि अब बाकी पैसेज जो है वो थ्री रीजंस के बारे में होगा। रीजन नंबर वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, आप इस पैसेज को पढ़ें, हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। हरी अब ये जो पैसेज नजर आ रहा है इसको रीड करें जल्दी से।
अच्छा, आपका टॉपिक सेंटेंस क्या है जो कि डिस्कशन को ओपन करता है और पूरे पैसेज की इसको समराइज करता है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं। हमने देखा ना पैसेज के तीन हिस्से हैं, पहला हिस्सा क्या है टॉपिक सेंटेंस, दूसरा हिस्सा क्या है डिटेल्स। अब जो दरमियान में सारी चीजें आ रही थी ना वो इसकी डिटेल्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं। ठीक है, डिटेल्स क्या है, दे कम आफ्टर टॉपिक सेंटेंस मेकिंग अप द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। स्पोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये टॉपिक सेंटेंस के बारे में होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और इसमें क्या चीजें आ सकती हैं, ये मेन आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है और इसमें डिटेल्स, फैक्ट्स और एग्जांपल्स। ठीक है, हम जब भी मेन आइडिया को डिफेंड करने के लिए एग्जांपल्स देते हैं, डिटेल्स देते हैं, उसको इलैबोरेट करते हैं, तो इसका मतलब कि वो हमारा टॉपिक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन बन रही है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल है। जैसे कि यहाँ हमने कहा थ्री रीजन्स है, थ्री रीजन्स की जो जो रीजन्स है अगर हमने उसको दिया है तो वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स में आ गए। ठीक है, लास्ट में इसका क्लोजिंग सेंटेंस है। क्लोजिंग सेंटेंस क्या है, दैट इज समटाइम दैट इज मिसिंग इन द पैसेजेस, हो सकता है ये मौजूद ना हो, समटाइम ये मौजूद होता है और इस तरह की फ्रेजेस जो है वो हमें नजर आ रही होती हैं, एज ए रिजल्ट, इन द एंड, एट लास्ट, सो, यानी ये सारे वर्ड्स हैं जो ये इशारा दे रहे होते हैं कि अब ये क्लोजिंग सेंटेंस है। क्लोजिंग सेंटेंस क्या करता है, याद रखें कि क्लोजिंग सेंटेंस हमेशा रीस्टेट करता है मेन आइडिया को। रीस्टेट मतलब दोबारा लफ्जों में बताता है, रीस्टेट करता है, दोबारा बताता है, रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। हम वही बात जो हमने पहले पैसेज पहले सेंटेंस में देखी होती है उसको दोबारा मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करता है। एज मेंशन्ड अबव, फिर यहाँ तक तो थे इसके तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इसका क्लोजिंग सेंटेंस, इसकी डिटेल्स और इसकी टॉपिक सेंटेंस। फिर इन तीनों चीजों के अलावा एक ऐसी चीज जो इम्पोर्टेंट है जो किसी भी पैसेज में अगर ना हो तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता, दैट इज यूनिटी एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब दैट आइडियाज आर इंटरलिंक्ड, यूनिटी मतलब दे आर शेयरिंग सेम वन थॉट। ठीक है, जैसे हमने पैसेजेस में देखा था कि अगर एक सेम थॉट नहीं है तो वो पैसेज नहीं है। कोहेरेंस मतलब हर लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड नहीं है तो वो पैसेज नहीं है। ठीक है, as mentioned above, the ideas in a paragraph should logically fit together. Furthermore, they should flow from one idea to the next. यानी आपका हर sentence जो है वो आपको आगे से आगे लेके जा रहा होता है thought में। Paragraph should be organized in a way that it builds appropriately. ठीक है, this could be by sequence of ideas or event. यानी हम सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं कौन सी चीज पहले कौन सी बाद में। एडिशनली ट्रांजिशंस शुड बी यूज्ड, ट्रांजिशनल फ्रेजेस क्या होती हैं ये आपने पढ़ना है। ट्रांजिशनल फ्रेजेस, फर्दर मोर, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, यानी ऐसी चीजें जो एक चीज से शिफ्ट, हमें शिफ्ट करते हुए दूसरी चीज पे लेके जाती हैं, वो फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं आइडियाज को शो करने में, आपस में जोड़ने के लिए। दैट्स वाई, देयरफॉर, यानी ये सारी आपकी ट्रांजिशनल फ्रेजेज हैं। ये ट्रांजिशनल फ्रेजेज भी हेल्प करती हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ताल्लुक कायम करने में, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये कनेक्ट करती हैं आइडियाज को और कॉन्सेप्ट को। अगेन हमारा सेशन एक्सपायर हो रहा है, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और इन जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपने 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करना है। देखें इसका इसका जो है वो सेंटेंस कौन सा है, क्लोजिंग सेंटेंस कौन सा है, आपको नजर आ रहा है, देखें और बताएं कि इसका टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, इसकी डिटेल्स कौन सी है और इसका क्लोजिंग सेंटेंस कौन सा है। आवाज किस बात नहीं है, आप लोगों ने खुद ही देखना है इसमें टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, इसकी डिटेल्स कौन सी हैं और इसका क्लोजिंग सेंटेंस कौन सा है, और इस पैसेज को आपने टाइटल भी देना है। इस टाइटल, इस पैसेज को एक टॉपिक दें, इसका टॉपिक सेंटेंस देखें, इसकी डिटेल्स देखें और इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस बताएं। गुड, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज टॉपिक सेंटेंस एंड रोल ऑफ म्यूजिक इन लाइफ। अच्छा बच्चों, अब हम आगे मूव करेंगे ये देखते हुए कि हमारी जो टाइप्स ऑफ डिटेल्स हैं जो उसकी भी टाइप्स होती हैं आगे।
ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे हर पैसेज का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उसकी डिटेल्स होती हैं और उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। जो हमारे टॉपिक सेंटेंस की डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल्स की भी टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ डिटेल्स जो हैं वो मेजर टाइप की होती हैं और कुछ जो हैं वो माइनर टाइप की होती हैं, ठीक है। आप यानी ये भी देखेंगे कि हमारी कुछ डिटेल्स मेजर हैं और कुछ माइनर हैं। आप ऐसा करें कि हम अपने जो टॉपिक है ना इसको इधर ही रखते हैं। अभी हमारी एक मीटिंग है, मैं उधर जा रही हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिटेल्स की टाइप, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। स्लाइड्स नंबर 10 तक आपने याद रखना है कि हमने पढ़ लिया था, 11 से हम स्टार्ट करेंगे।